बिसमिलकुम एंड वंस अगेन वेलकम इन अनदर वीडियो तो आज हम बात करेंगे तोफी रफ़त की एक और पोइम दिस प्लेड ऑफ क्रॉस हम तोफ़ी रफत के बारे में पहले भी एक वीडियो में डिस्कशन हमारी हो चुकी है ठीक है इन दैट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ आई पी एल इंटरनेशनल पाकिस्तान लिटरेचर एंड हैव डन विद इंट्रोडक्शन ऑफ तोफ़ीक रफ़त फिर हमने एक पोएम जो वो तोफ़ी रफ़त की डिस्कस की थी दैट वाज वेडिंग इन द फ्लड तो उसकी हमने समरी थीम्स एनालिसिस सब कवर कर लिया था तो आज हम तोफ़ी रफ़त की एक और पोएम को डिस्कस करेंगे अच्छा दो पोएम्स हैं ये यानी एक आप इंटरनेट पर जब भी सर्च करते हैं तो आपके पास आती है द ब्लेड्स ऑफ क्रास एंड देन दिस ब्लेड ऑफ़ क्रास ठीक है द ब्लेड ऑफ क्रॉस वॉज रिटन बाई स्टीफन क्रेन तो ये एक इंग्लिश पोइट की पोएम है लेकिन जो पाकिस्तानी पोएटें हैं तो फ़ीक रफत उनकी पोएम है दिस प्लेट ऑफ क्रॉस दैट वॉज रिटन इन नाइनटीन एटी ठीक है तो आज हम दिस प्लेट ऑफ क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे दिस प्लेट ऑफ क्रॉस की हम जो वो समरी भी करेंगे थीम्स भी करेंगे और एनालिसिस भी क्योंकि लाइन बाई लाइन एनालिसिस हम करेंगे शॉर्ट सी पोम है बहुत जो वो जिससे कहते हैं कि लेकिन है ये डीप मैसेज के साथ आप अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इन आप ज़रूर समझ लेंगे तो हम जो है वो लाइन लाइन बाई लाइन एनालिसिस में हमारी समरी भी कवर अप हो जाएगी थीम्स भी कवर अप हो जाएंगे और एनालिसिस भी तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो दिस लेड ऑफ क्रॉस नाइनटीन एटी में लिखी गई जैसे मैंने आपको बताया एंड दैट इज़ प्लेस्ड इन कलेक्शन हाफ मून दो बुक्स हैं ना uh, तो रफ़त की पोइम्स के बारे में तो ये जो है वो आपको पोइम मिलेगी हाफ मून में ठीक है ये एक फ्री वर्स पोएम है तो हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाई लाइन एनालिसिस ठीक है This blade of grass, what is it? It is myself six feet under. यानी yani, अब देखें कि दिस blade ऑफ grass सबसे पहले तो क्वेश्चन करा है ना पोइट कि दिस blade ऑफ grass व्हाट इज़ इट फिर सेकंड लाइन में खुद ही आंसर करा है कि इट इज़ myself सेल्फ feet फीट अंडर ठीक है इट इज़ myself सेल्फ अब यहाँ पे पोइट जो ख़ुद को ग्रास के साथ कंपेयर है यानी यहाँ पे वो मेटाफोरिकली बात है ये मेटाफर है कि पोइट जो वो खुद को आ, जो है वो ग्रास कह रहा है ठीक है इट इज़ माई सेल्फ अब आगे जितनी भी आप लाइन्स देखेंगे इसमें पोइट ग्रास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या यूँ लें कह लें कि करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो है वो लाइन बाई लाइन वो डिफ़ाइन करे कि ग्रास ऐसी होती, ऐसी होती है ऐसी होती है ऐसी होती है और मैं भी ऐसा ही हूँ ठीक है तो बेसिकली जो पोइट ह्यूमैनिटी uh, के बारे में बात कर रहा है, ह्यूमन के बारे में बात कर रहा है, इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है, ये हम जब अभी इसकी देखेंगे पहले हम इसका लिटरल मीनिंग देख लें कि जो वर्ड्स यहाँ पे हैं पोएम्स के उनका क्या मतलब है तो पोइट ये कह रहा है कि दिस प्लेड ऑफ क्रॉस वॉट इज़ इट इट इज़ माई सेल्फ कि ये मैं हूँ सिक्स फीट अंडर सिक्स फीट अंडर के घास जो होती है आपको पता है कि वो ज़मीन के बाहर कम होती है ज़मीन के अंदर जो इसकी जड़ें होती हैं वो ज़्यादा फैली हुई होती हैं वो ज़्यादा जो है वो गहराई में होती हैं तो वो कहता है कि इट इज़ माई सेल्फ मैं हूँ अब मैं क्या हूँ कि सिक्स फीट अंडर ज़मीन के, के छः फिट नीचे हूँ ब्रेकिंग द साइलेंस अब आपने ये नोट किया होगा कि घास अगर आपके आस पास है या कहीं घर में है या सहन में तो घास कभी भी आवाज़ पैदा नहीं करती चाहे जितनी तेज़ हवा होती है चाहे आंधी तूफान आ जाए घास की आवाज़ आपको नहीं आएगी बाकी पत्तों की छोटे से छोटा पौधा होगा उसके पत्तों की आपको ज़रूर आवाज़ आएगी लेकिन घास की आवाज़ नहीं होती तो यहाँ पे अब जो वो गेंद जो मेटाफोरिकली बात कर रहा है ब्रेकिंग द साइलेंस अब घास की साइलेंस कब टूटती है आई एम रफ टू द टच माई एज़ आर कीन यानी अगर आप मुझे हाथ लगाएंगे अगर आप मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो फिर वहाँ पर मेरी साइलेंस या मेरी जो खामोशी होगी वो टूट जाएगी मेरी यानी घास की ठीक है यहाँ पे हम फिलहाल घास की बात करें तो पोइटी कहता है कि अगर आप मुझे हाथ लगाएंगे तो मेरे एजेज आपको बहुत ज़्यादा कीन यानी शार्प जो वो लगेंगे यानी यहाँ पे मेरी जो है वो खामोशी टूट जाएगी मेरी खामोशी कैसे टूट जाएगी कि अगर आप मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें तो उल्टा आपको नुकसान हो सकता है उल्टा आपका हाथ जख्मी हो सकता है आपको ख़ुद को नुकसान पहुँच सकता है ठीक है दो जिन हरी विल पुल मी आउट एट देयर पैरल पैरल कहते हैं होफ़ या डर को क्या कहते हैं कि दो जना हरी विल पुल मी आउट पोइट कहता है कि जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें या मुझे जो वो अपनी जगह से उखाड़ने की कोशिश करेंगे या जिसे कहते हैं कि मेरी पोजीशन में कोई फ़र्क डालने की कोशिश करेंगे अपनी किसी इनसिक्योरिटी की वजह से या अपने किसी खौफ की वजह से तो मैं उनके लिए रफ़ एंड टफ़ साबित होऊंगा ठीक है फिर अब ये तो हो गया यानी एक प्रोटेक्शन की बात हो गई कि पोइट कहता है कि घास अपनी प्रोटेक्शन कैसे करती है या फिर मैं अपनी प्रोटेक्शन कैसे करता हूँ ठीक है फिर आगे पोइट है कि इन अ स्ट्रॉग विंड आई एम अ डर्विश ब्रिंगिंग एक्सट टू योर डोर स्टेप देखें आई एम इन अ स्ट्रॉग विड स्ट्रॉग विंड के जैसे मुश्किल हालात आप कह या आंधी तूफान में आई एम अ डर्विश कि आप अगर मुझे नुकसान पहुँचाएंगे तो मैं आपके लिए रफ़ एंड टफ़ साबित होंगे ठीक है या घास कहती है कि आप अगर मुझे नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं आपके लिए रफ़ एंड टफ़ साबित हो सकती हूँ मैं उल्टा आपको नुकसान पहुंचा सकती हूँ लेकिन अगर आप मेरे साथ यानी मेरे साथ ठीक रहेंगे मेरे साथ मुखलस होंगे मेरे साथ सिंसियर होंगे या मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर मुश्किल हालात में आई एम दरवेश दरवेश यानी दरवेश कि मैं मुश्किल हालात में आपके लिए दरवेश साबित होंगी और आपके जो आपके दरवाज़े पर खुशियां लाऊंगी ठीक है ये तो हमारे पास हो गया इसका लिटरल मीनिंग यानी जो वर्ड्स का मीनिंग है अब हम देख लेते हैं कि पोएम में जो मैसेज छुपा हुआ है या पोम में जो कनोटेशंस हैं वो कि, कितनी हो सकती हैं और किस तरह से हम जो इसके कनोटेटिव मीनिंग निकाल सकते हैं देखें जैसे कि पोइट जो कंपेयर कर रहा है खुद को ग्रास के साथ तो हम कह सकते हैं कि पोइट जो इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन आपने ये बात शायद पहले भी सुनी होगी कि हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है या अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो जब एक बच्चा पैदा हो। तो होता है तो वो आदमी होता है ठीक है जब कोई पैदा होता है तो वो आदमी होता है इंसान नहीं होता इंसान हम खुद बनते हैं जो ट्रेड्स हम अपने अंदर लाएंगे उनसे हम इंसान बनेंगे अगर आपके अंदर इंसानियत होगी तो आप इंसान हैं अदरवाइज आप इंसान नहीं कहलाते आप एक आदमी कहलाते हैं ठीक है तो यहाँ पे पोइट यही बात कर रहा है कि वो इंसानियत की बात कर रहा है वो ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है खुद को जब ग्रास के साथ कंपेयर कर रहा है तो वो ये कहता है कि एक इंसान को ऐसा होना चाहिए या एक इंसान ऐसा होता है ठीक है कि एक जो इंडिविजुअल होता है वो बिल्कुल ग्रास की तरह होता है वो बिल्कुल दरवेश की तरह होता है कि वो क्या करेगा कूल एंड काम रहेगा हर तरह की सिचुएशन में वो कूल एंड काम रहेगा वो जो है वो यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा अपने काम से काम रखेगा या दूसरों में खुशियाँ या आसानियाँ बांटेगा और उसको अगर आप देखेंगे तो आप, आपको ज़िंदगी के आसार नज़र आएंगे ठीक है आपको खूबसूरती या आप पॉजिटिविटी उसकी तरफ से मिलेगी एक इंसान की तरफ से ठीक है अगेन मैं बात कर रही करी हूं, आदमी की बात नहीं हो रही यहाँ पे इंसान की बात हो रही है वो जो है वो दूसरों को नुकसान पहुँचाने की कभी भी कोशिश नहीं करेगा लेकिन अगर उसका कोई नुकसान पहुँचाएगा तो फिर उसको अपनी प्रोडक्शन करनी भी आती है ठीक है कि वो जो है वो, वो आपको फिर उसी तरह से रफ़ एंड टफ़ होके जवाब देगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल साबित होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित होगा उसके यानी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस भी हो सकता है और शार्प भी हो सकता है आपके लिए ठीक है लेकिन एक ही केस में कि जब उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो तब वरना नहीं वरना फिर उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक दरवेश हो ठीक है कि मुश्किल से मुश्किल हालात भी हो जाए तो वो एक दरवेश की तरह होता है मुश्किल हालात में दूसरों के लिए ठीक है यानी दूसरों के लिए आसानियाँ बांटता है दूसरों के लिए दुआएँ करता है दूसरों के लिए खुशियाँ बांटता है अब दरवेश की ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि दरवेश जो है वो बहुत ज़्यादा हम्बल होता है बहुत डाउन टू अर्थ होता है उसमें कोई भी किसी भी किस्म का प्राउड नहीं होता किसी भी किस्म की ग्रीड नहीं होती यूँ कह लें कि अल्लाह लोग जो होते हैं ठीक है तो वो क्या कहते हैं कि हमेशा कहते हैं कि किसी भी दरवेश की दुआ जो है वो आप ले लें किसी फ़कीर की आप दुआ ले लें ठीक है तो इन लोगों की दुआएं बहुत ज़्यादा लगती हैं तो मतलब यहाँ पे जो वो पोइट भी रहा है कि एक जो इंसान है वो बिल्कुल दरवेश की तरह ही होता है कि अगर आप उसके आप उसके साथ अच्छे रहेंगे ठीक है आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर मुश्किल हालात में वो आपके काम आएगा ठीक है ये देखे बगैर कि अगला बंदा मेरी कोई मदद कर सकता है या नहीं एक तो ये इसकी कोनोटेशन होगी सेकंड कोनोटेशन अगर हम देखें तो सेकंड uh, कोनोटेशन इसकी ये है कि हम जो है वो uh, यानी ग्रास क्या है ग्रास जो तो वो सिम्बलाइज करता है टुगेदरनेस को ठीक है ग्रास इज़ द सिम्बल ऑफ यूनिटी इंटरकनेक्टेडनेस तो अगर जो है वो यानी ये टुगेदरनेस को या यूनिटी को या इंटरकनेक्टेडनेस को आ, शो करता है यानी लिविंग क्रिएचर की तो कैसे इसकी मतलब ये कैसे वो इंटर कनेक्टनेस को ये कैसे यूनिटी को शो करता है कि आप अगर घास को देखें वो बहुत जुड़ी जुड़ी होती है ठीक है इसकी अगर आप जड़ें देखेंगे तो वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट होती हैं ऐसे कि अगर एक ब्लेड ऑफ ग्रास की आप जड़ खुआ रहे हैं तो वो फिर बाकी भी उसके साथ उखड़ते चले जाएँगे तो ये होती है इंटरकनेक्टनेस लेकिन पोइट uh, कह रहा है कि यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं ठीक है ये एक इसकी कनोटेशन है ये आपकी मर्जी आप डालें ना डालें लेकिन ये इसकी इंटरप्रेशन हो सकती है तो हम इसमें इससे ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वी एज अ नेशन आर स्ट्रॉग ठीक है कि अगर हम जो पोइट कह रहे हैं ना कि इट इज़ माई सेल्फ सिक्स फीट अंडर यानी ग्रास को कह रहा है कि ब्लेड ऑफ ग्रास इट इज़ माई सेल्फ तो इसका मतलब कि पोइट जो है यहाँ पर एक तरह से नेशन की तरफ इशारा करे कि वी एज अ नेशन आर स्ट्रॉन्ग ठीक है एंड वी हैव स्ट्रेंथ एंड पावर लेकिन हम जो दूसरों में क्या करते हैं हम खुशियाँ बांटते हैं हम आसानियाँ बांटते हैं दूसरों के लिए लेकिन अगर कोई कौम या अगर कोई दूसरी कंट्री आ, हमें एक्सप्लॉयड करने की कोशिश करेगी या हम पर हमलावर होने की कोशिश करेगी या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसके लिए फिर वहाँ पे हम जो जवाबी कार्रवाई भी करना जानते हैं ठीक है क्योंकि घास को अगर आप देखेंगे अगर उसको काटा भी जाए तो वो दोबारा फैल जाती है ठीक है घास कभी भी सूखती नहीं है किसी एक जगह से अगर थोड़ा सा भी उसका एक ब्लेड भी रह जाए तो फिर उस उस एक ब्लेड से बहुत सारी जगह पे वो घास जो है वो फैल जाती है तो वही जो वो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप दे सकते हैं कि वी एज अ नेशन आर स्ट्रॉग कि अगर हमारे अल्लाह ना करे कुछ यानी नेशन को आप नुकसान भी पहुँचाते हैं तो हम दोबारा फैल जाएंगे हम दोबारा जो प्रॉस्पेरिटी की तरफ आ जाएंगे ठीक है तो ये थी हमारी आ, जो है वो कनोटेशन्स दो जो पॉइंट की हैं दिन अगर हम थीम्स की बात करें तो थीम में आप कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटी की बात भी हो रही है हम्बलनेस की बात हो रही है जैसे कि दरवेश की बात हो रही है वहाँ पे आप हम्बलनेस को डाल सकते हैं दैन प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा जो ये ये मेजर थीम में आ सकता है प्रोटेक्शन कि इंसान जो है वो अपनी प्रोटेक्शन भी जानता है ये तो एक जैसे कहते हैं ना कि नेचुरल फिनमिना भी है कि जानवर भी है ना एक जानवर भी तो अगर आप आ, उसको भी अगर कहीं पे लगेगा कि मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करिए मेरी जान को खतरा है तो वो फ़ौरन से भी जाता है ठीक है एक चूंटी भी है इवन तो वो भी क्या करेगी अगर उस पर भी पाँव आएगा तो वो काटने की कोशिश करेगी तो प्रोडक्शन जो इस पोएम का थीम हो सकता है एंड देन यूनिटी या टुगेदरनेस ठीक है तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें और अगर आपकी तरफ से कोई क्वेरीज़ हैं या आप अपनी तरफ से कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड की जाए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इट वुड बी अप्लाइर कि मैं अगर आपके काम आ सकूँ थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़